सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहला सिंपल ऑब्लिक अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि वह गाना गा चुकी थी तो सी हैड संग सॉन्ग, तो यहाँ संग जो है वो सिंग की थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से भारतीय टीम पहली पाली खेल चुकी थी तो यहाँ इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। नेगेटिव सेंटेंस, इसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी तो यहाँ पर बनेगा सी हैड नॉट गिविन मी हर बुक, तो यहाँ पर उसने कोई कंफर्म नहीं है कौन था, तो यहाँ सी ले लिया हमने और सी के अकॉर्डिंग ही यहाँ हर बुक किया गया है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था, दैट बॉय हैड नेवर गोन टू स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर रूल नंबर पहला, सबसे पहले हेड आएगा फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, जैसे उदाहरण के लिए क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, हैड ही टॉक्ड टू यू। इसी तरह दूसरा, क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, हैड आई गिवन यू अ 100 रुपी नोट। जब वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो तब जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इसके बाद नॉट आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे क्या तुमने उसकी बेइज्जती नहीं की थी, तो इसे हम बनाएंगे हैड यू नॉट इंसल्टेड हिम। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, क्या उन्होंने बिजली का बिल नहीं चुका दिया था, हैड दे नॉट डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि इसमें क्या होता है, जो वाक्य होते हैं उनके बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स मीनिंग प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नकारात्मक है तो नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसा कि उदाहरण तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे, भाई हैड यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स योर सेल्फ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था, व्हाट हैड सी सेड टू माई एल्डर ब्रदर।